अच्छा, आपका आज का जो पहला टॉपिक है वो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। आपका पहला टॉपिक क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद चीज़ें ब्रीफ कर लूँ, ठीक है, कि आज हम क्या करने जाएंगे। ठीक है, देखिए, आज लास्ट टाइम आपने इस चैप्टर के, ठीक है, चैप्टर जो आपका पहला था, उस पहले पहले चैप्टर के आपने क्वेश्चन एंड आंसर लिख लिए थे। ठीक है, उस क्वेश्चन एंड आंसर के बाद अगर मैंने आपको टेक्स्ट कॉपी में कोई एक्टिविटी करवाई है तो ठीक है, अगर मैंने आपको टेक्स्ट कॉपी में कोई एक्टिविटी नहीं करवाई तो उस क्वेश्चन एंड आंसर के बाद जो आपका पहला चैप्टर था जिसका नाम हमारे पास दी वर्ल्ड इन अ वॉल है, उस वर्ल्ड इन अ वॉल के क्वेश्चन एंड आंसर के बाद आप ये वर्ड सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियरली बिल्कुल विजन नज़र आ रहा होगा, वर्ड सेंटेंस। ठीक है ना, देखें, फर्स्ट वर्ड आपके पास बल्गिंग है। ठीक है, बल्गिंग के क्वेश्चन यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ है। बल्गिंग के मीनिंग मैंने आपको बताए थे जब मैं आपको वर्ड्स टू नो की रीडिंग करवा रहा था। ठीक है, बल्किंग का मतलब है कि बाहर आना। सेंटेंस लिखा हुआ है कि लिटिल लिटिल इंसेक्ट्स वर बल्किंग फ्रॉम दी क्रैक्ड वॉल। हाँ, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो थे ना वो बाहर आ रहे हैं। बल्किंग मीन्स बाहर आना, बाहर आ रहे थे फ्रॉम द क्रैक्ड वॉल, वो जो क्रैक्ड यानी दरारें जिस पर पड़ी हुई थी उस दीवार से क्या हो रहा था कि लिटिल लिटिल स्नैक्स इंसेक्ट्स जो है ना वो कीड़े बाहर आ रहे। ओब्लीवियस ओब्लीवियस, माई फ्रेंड वॉज ओब्लीवियस अबाउट हिज फ्यूचर। ओब्लीवियस की मीनिंग थे कि गाफिल, जुमला बना हुआ, माई फ्रेंड वॉज ओब्लीवियस अबाउट हिज फ्यूचर, मेरा जो दोस्त है वो गाफिल था अपने फ्यूचर के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है डॉडलिंग। ठीक है ना, डॉडलिंग बार आपके पास सेंटेंस बना हुआ, आई सॉ अ पर्सन डॉडलिंग इन टू दी मार्केट। डॉडलिंग का मतलब हमारे पास था बींग स्लो, आहिस्ता से, बिल्कुल स्लोली जाना। तो जुमला बना हुआ है आई सॉ अ पर्सन डॉडलिंग इन दी मार्केट, मैंने एक बंदे को देखा डॉडलिंग इन टू द मार्केट, स्लोली आहिस्ता से मार्केट में जा रहा था। ठीक है ना, ये थर्ड सेंटेंस है। थर्ड के बाद आप हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस आपका और भी, ये तीन आप वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एक सेंटेंस नीचे और भी बना हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनहैबिटेंट्स इनहैबिटेंट्स, ठीक है ना, इनहैबिटेंट्स यानी रहायशी। इनहैबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर इन अ लार्ज क्वांटिटी, कह रहे हैं कि वॉल यानी जो दीवार थी उसके जो रहायशी थे, इस दीवार के रहायशी से मुराद कीड़े मकोड़े। ठीक है ना, वो जो कीड़े मकोड़े थे वर इन अ लार्ज क्वांटिटी, बड़ी तादाद में थे। ठीक है, तो ये आपके वर्ड सेंटेंसेस है, ये आपने लिखने हैं अपनी टेक्स्ट कॉपी में। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने ग्रामर टॉपिक की जानब। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अब हम जो है ना कुछ नाउन्स टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे इस लेक्चर में, और मैं आपको कलेक्टिव नाउन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप कलेक्टिव नाउन पढ़ने से पहले हम ज़रा आपको कुछ जो है ना वो नाउन की टाइप्स बता देते हैं, फिर हम अपना लेक्चर आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब देखिए आपके सामने जो है टाइप्स ऑफ नाउन है। नाउन की डेफिनेशन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि नाउन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग, किसी भी जगह चीज़ या शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ नाउन आपका मेन टॉपिक नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन जस्ट हमने जनरली देखनी है। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है ना, मेन टॉपिक आपका है। ठीक है, देखें अब हमारा टाइप्स ऑफ नाउन में क्या क्या है। आपके पास सबसे पहली टाइप है कि आपका कॉमन नाउन होते हैं। ठीक ना, एक आपके पास होते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक ना, कॉमन नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन। फिर इसी तरह हमारे पास काउंटेबल नाउन भी होते हैं, इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। और ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। ठीक है ना, एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, एक हमारे पास कंपाउंड नाउन कहलाता है, और एक हमारे पास कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है ना, ये हमारे पास अलग अलग तरह के नाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब आज हमने जो है सारे के सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने। एज यू विल गो अहेड इन योर क्लासेस, मूव करते जाएंगे आप, सो यू विल लर्न अ नंबर ऑफ न्यू थिंग्स एंड द न्यू प्रोनाउंस के न्यू नाउन्स के प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन एंड कंपाउंड नाउन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है, दिस इज कलेक्टिव नाउन। ठीक ना, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं ये मैं अब आपको अलग से डेफिनेशन बताता हूँ, इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह बताता हूँ कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मूव करते हैं। दिस इज, ठीक है, कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। ठीक है ना, कहें कलेक्टिव नाउन, कह रहे हैं कि अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन, ठीक है, सच एज फैमिली और टीम, ठीक है, दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। हाँ, देखें, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि आपके पास ग्रुप्स की सूरत में आते हैं, ग्रुप्स की सूरत में। ठीक है ना, देखें, आपके पास वर्ड कलेक्टिव यहीं से समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन हो रही है। ठीक है, चीज़ों की कलेक्शन हो रही है, कोई एक चीज़ की बात नहीं होगी, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात होगी। तो कलेक्टिव नाउन्स हैं ही वो जिनमें एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ आप स्क्रीन में देखेंगे आपको फैमिली लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब फैमिली
आप एक फैमिली का मतलब सिर्फ इमरान नहीं है, ठीक है ना। फैमिली मीन्स उसमें इमरान भी हैं, उसमें ताहिर भी हैं, उसमें अकमल भी हैं, उसमें मदर भी हैं, उसमें फादर भी हैं। दे ऑल आर द मेंबर ऑफ फैमिली, फैमिली के मेंबर है, ठीक है। अगर हम इमरान की बात करें तो वो सिंपल नाउन है, ही इज़ अ सिंपल नाउन, वो अलग से एक नाउन है। अगर हम बात करें इमरान, कामरान, इन तमाम लोगों की, तो दिस इज़ अ फैमिली, ये एक फैमिली होगा, ठीक है। इसी तरह लाइक दिस, ये आपके पास स्क्रीन पे टीम लिखा हुआ, दिस इज़ अ वर्ड टीम, ठीक है। टीम का मतलब भी, टीम इज़ ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल सिंपल सिंपल एक प्लेयर की बात करें, मैं कहता हूँ मिसबाह-उल-हक, सो मिसबाह-उल-हक इट इज़ ही इज़ नॉट अ टीम, मिसबाह-उल-हक इज जस्ट अ नाउन, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे मिसबाह-उल-हक एंड फॉर एग्जाम्पल कामरान अकमल एंड फॉर एग्जाम्पल शाहिद अफरीदी, सो नाउ दे ऑल आर टीम, अब ये सब मिला के एक टीम बन जाएंगे, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन सच एज फैमिली और टीम दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि आपके पास ग्रुप की सूरत में आते हैं, या ग्रुप एक ग्रुप की सूरत में लोग आ गए, या ग्रुप की सूरत में चीजें आ गई, तो आपके पास कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नाउ दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स मोर, ये आपके पास और कलेक्टिव नाउन्स है, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप लीव कर दें, हम आते हैं डायरेक्टली इस पर, देखें कह रहे हैं कि अ क्लास ऑफ पीपल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स की एक क्लास। हम ये नहीं कह रहे कि एक स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट कहते तो सिंपल एक स्टूडेंट नाउन हो जाता, लेकिन जब हम कहते हैं कि क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो फिर ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, क्लास आपके पास कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। इसी तरह अगर आप एनिमल्स में देखेंगे तो आपके पास लिखा हुआ कैच ऑफ फिश, ठीक है ना। अब कैच ऑफ फिश भी इट मीन्स ये आपके पास एक से ज्यादा होने वाली। नेक्स्ट आपके पास थिंग्स में लिखा हुआ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड जजीरों के, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जजीरा, एक से ज्यादा जो है ना छोटे छोटे जजीरे, ग्रुप है जजीरों का पूरा, ठीक है ना। यानी एक छोटा आइलैंड है, फिर उसके बराबर में एक छोटा सा और आइलैंड है, फिर उसके बाद एक बराबर में एक छोटा सा और आइलैंड, इसी तरह बहुत सारे आइलैंड मिल रहे हैं, तो एक आपके पास ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास पीपल में भी मजीद लिखे हुए हैं, एनिमल्स में भी मजीद लिखे हैं, और थिंग्स में मजीद लिखे हैं। व्हाट डू यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, कलेक्टिव नाउन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। हम वर्कबुक की एक्सरसाइज की जानिब जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आप उसको समझेंगे मेरा बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। क्या है वो चीज़, देखिए आपने इसको कलेक्टिव नाउन को अपनी ग्रामर कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। किस तरह लिखना है बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल ईजीली समझा रहा हूँ किस तरह। सबसे पहले आपने कलेक्टिव नाउन की हेडिंग डालनी है, उसके नीचे आपने इसी तरह उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद, ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद, ठीक है ना, यहाँ आपने हेडिंग पुट कर दी, यहाँ आपने डेफिनेशन लिख दी, इसके बाद आपने यहाँ हेयर हेयर जब मेरा पेन का निशान देखिए, ठीक है, यहाँ आपने एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी है अपनी कॉपी में, ठीक है ना। यहाँ आपने अपनी कॉपी में एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी है, फिर इसके बाद इस एग्जाम्पल की हेडिंग डालने के बाद आपने क्या करना है कि ये तीन एग्जाम्पल्स, पीपल, एनिमल और थिंग्स, इसी तरह आपने यहाँ पर लिख देनी, यहाँ पर पीपल, यहाँ पर एनिमल, यहाँ पर थिंग। अगर आपके पास कॉपी में स्पेस का इशू है कि आप तीनों एक चीज़ें एक साथ नहीं लिख सकते, तो फिर आप इस तरह करेंगे कि आपने पहले पीपल लिखा, फिर इसके बाद आपने एनिमल लिखा, फिर इसके बाद आपने थिंग्स लिख दिया, आप यूँ इस पोजिशन में आ जाइएगा, ठीक है ना। ये आपका होम टास्क है, आपने करना है, ठीक है। एक बार दोबारा उसमें समझा देता हूँ मैं, कलेक्टिव नाउन्स की हेडिंग डालने के बाद कॉपीज में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, फिर इसके बाद आपने यहाँ पर ये तीनों 1 2 3 इसमें जितने भी लिखे हुए तमाम जो है ना आपने यहाँ पर सेम एज इट इज लिख देना। अगर आपके पास इस पोजीशन में नहीं आ रहे तो आप इस पोजीशन में चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका होम टास्क है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, ठीक है ना, यानी हमारा जो ग्रामर वर्क बुक की जानिब। अब बेटा आपने आ जाना है अपनी टेक्स्ट बुक पर, ठीक है ना। मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, आप ओपन करेंगे, मेरे साथ ही वर्किंग करेंगे, आप ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7, ठीक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर सेवन। आई होप आपने ओपन कर ली होगी, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि अपनी बुक्स वगैरह साथ रखा करें, ठीक है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 पर आप जैसे ही मूव करेंगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, ठीक है ना। टॉपिक हमारा है कलेक्टिव नाउन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि हेयर आर सम कॉमन कलेक्टिव नाउन्स, आपके पास कुछ कॉमन आम कलेक्टिव नाउन्स ही हैं, कैन यू मैच देम, क्या आप उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है ना, करेक्टली, यानी आपने इनको मैच करना है, ठीक है। एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और इसे नोटबुक में लिखें, लेकिन आपने इसे नोटबुक में नहीं लिखना, आपने जस्ट इसको यहीं पर मैच करना है, ठीक है। मैच करने के बाद आपने इसको इस तरह से नीचे लिख देना है जिस तरह मैंने लिखा हुआ, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आगे जाकर आपने मजीद किस तरह एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे कि आ स्वाम ऑफ बीज, ठीक है ना, क्या वर्ड है हमारे पास, अ स्वाम ऑफ बीज। अब देखें स्वाम, ये जो वर्ड है ना आपके पास स्वाम, स्वाम का मतलब क्या होता है, मजमा, ठीक है ना, ये वर्ड है आपके पास स्वाम,
इसकी मीनिंग आप लिखेंगे, सॉन्ग का मतलब होता है कि मजमा, ठीक है ना, यानी ये कलेक्शन में आ रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी ना, मजमा, जैसे कि आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि रोड पर बहुत मजमा जमा है, यानी रोड पर बहुत सारे लोग जमा हैं। अब वो एक कलेक्शन में आ जाते हैं, कलेक्टिव में आ जाते हैं, एक से ज़्यादा में आ जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक। सो आसवाम ऑफ बीस, बीस कहते हैं मक्खियों को, मक्खियों का एक मजमा, ठीक है ना, यानी बहुत सारी मक्खियाँ। अब ए और बी को आपने मैच करना है, ठीक है ना, मैच करने के बाद आपने इसको इस तरह से नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड आपके पास है रेंज, रेंज को अगर आप मैच करें तो आपके पास रेंज यहाँ पर मैच होगा हिल्स के साथ, ठीक है। आप मैच ना करें, आप डायरेक्टली यहाँ पर नीचे लिख दें जिस तरह मैंने लिखा हुआ, थोड़ा आप स्पेस का ख्याल रखिएगा ताकि आपके तमाम वर्ड्स आ जाएँ। फर्स्ट आपके पास बनेगा रेंज, बनेगा हिल्स के साथ, तो आप लिखेंगे आ रेंज ऑफ हिल्स, आ रेंज ऑफ हिल्स, लिखिएगा आप मेरे साथ साथ, आ रेंज ऑफ हिल्स, आ रेंज ऑफ हिल्स, आ रेंज ऑफ हिल्स, आ रेंज ऑफ हिल्स, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है कॉलोनी, ठीक है ना, कॉलोनी आपके पास ये वर्ड बनेगा अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, आंट चुकियों कहते हैं, अ कॉलोनी ऑफ आंट। देखिए कॉलोनी भी एक वर्ड है जो के कलेक्टिव में आता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है हीप, ठीक है, हीप आपके साथ बी में मैच होगा स्टोन से, अ हीप ऑफ स्टोन्स, ठीक है ना, अ हीप ऑफ स्टोन्स, ठीक है, अ हीप ऑफ स्टोन्स, ठीक है, अ हीप ऑफ स्टोन्स। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है फ्लॉक, फ्लॉक आपके पास बनेगा, ये आपके पास मैच होगा शीप से, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ शीप। ये जो वर्ड है आपके पास फ्लॉक, फ्लॉक के मीनिंग होते हैं रेवड़, बकरियों, बकरियों का या भेड़ियों का रेवड़, ठीक है ना, फ्लॉक मीन्स रेवड़, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, साथ साथ मेरे लिखते रहेंगे, आई होप आप लिख रहे होंगे। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है हर्ड, हर्ड, हर्ड का मतलब भी होता है रेवड़, HERD, हर्ड, हर्ड की मीनिंग भी है रेवड़। ये आपके पास वर्ड बनेगा अ हर्ड ऑफ काउस, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये मैंने सेंटेंस लिखा हुआ, आप यहाँ से देख देख के लिखेंगे या जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुन के लिखेंगे, अ हर्ड ऑफ काउस, मीनिंग आप लाजमी साथ देखेंगे, मैंने आपको बहुत सारे मीनिंग बताए हैं, अभी हर्ड के मीनिंग बताए हैं, हर्ड की मीनिंग है रेवड़, अ हर्ड ऑफ काउस। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है पैक, ठीक है, पैक का आपके पास कलेक्टिव नाउन बनेगा अ पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स, अ पैक ऑफ हाउंड्स, अ पैक ऑफ हाउंड्स। आगे चलते हैं, ठीक है, अब अगेन इस वाले बॉक्स पर आप आ जाएंगे मेरे बेटा। ए में आपके पास फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है लेटर, ठीक है, क्या वर्ड दिया हुआ है लेटर, लेटर आप लिखेंगे, इसका बनेगा आपके पास पपीज, अ लेटर ऑफ पपीज, अ लेटर ऑफ पपीज, ठीक है, लेटर, लेटर ऑफ पपीज, लेटर ऑफ पपीज। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है स्कूल, स्कूल का आपके पास बनेगा स्कूल ऑफ फिश, अ स्कूल ऑफ फिश। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मछलियों का स्कूल बेटा, या स्कूल ऑफ फिश का मतलब है कि आप स्कूल का मतलब एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, देर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, तो स्कूल का मतलब एक कलेक्टिव नाउन है, तो स्कूल ऑफ फिश यानी फिशों की एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे फिशेस पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है डेक, ठीक है, डेक का आपके पास बनेगा अ डेक ऑफ कार्ड्स, डेक का आपके पास वर्ड बनेगा अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट आपके पास वर्ड है बंच, बंच का सेंटेंस आपका बनेगा अ बंच ऑफ कीज, 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 ओके, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज। आगे मूव करते हैं, लास्ट वर्ड आपके पास है पैक, पैक में आपके पास बनेगा पैक ऑफ कार्ड्स, नो, अ पैक ऑफ वॉल्स,
कार्ड्स नहीं है, कार्ड्स हम पहले कर चुके हैं। ये आपका बनेगा अ पैक ऑफ वॉल्स, अ पैक ऑफ वॉल्स, ओके, अ पैक ऑफ वॉल्स। अच्छा, अब ये एक्टिविटी करने के बाद जब हम आगे मूव करेंगे तो आपके पास एक और नई चीज़ आ रही है, ठीक है। ये आपकी वर्क बुक की एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज थी। आई होप आप ये कर चुके होंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं की तो वो आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और उसको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप कंप्लीट कर सकते हैं ये, अगर आपकी हैंड राइटिंग स्लो है, आपको कुछ वर्ड्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको स्टॉप करके देख लें, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप मूव करेंगे अपने वर्कबुक की जानिब, ठीक है ना। वर्कबुक आप ओपन करेंगे मेरे साथ ही, ठीक है। वर्कबुक का आपका पेज नंबर है 5, ठीक है। वर्कबुक पेज नंबर 5, वर्कबुक पेज नंबर 5 एक्सरसाइज ई, वर्कबुक पेज नंबर 5 मेरा बेटा एक्सरसाइज ई, वर्कबुक पेज नंबर 5 एक्सरसाइज ई आप जैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ आपके पास अगेन वही वाली कलेक्टिव नाउन की एक्सरसाइज दी हुई, इसको भी अभी आप मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ई में कह रहा है कि आ हर्ड ऑफ वर्ड्स, हर्ड मैंने बताया आपको हर्ड की मीनिंग होते हैं रेवड़, ठीक है ना। अ हर्ड ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का रेवड़ यानी बहुत सारे अल्फाज, यानी कलेक्शन में अल्फाज, यानी ग्रुप्स में अल्फाज, ठीक है, कलेक्टिव हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हर्ड का इस्तेमाल किया गया, हर्ड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो हर्ड आपके पास एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सम नाउन्स नेम अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि कलेक्शन में आते हैं, ओके, दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, वो कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, अ पैक ऑफ हॉर्न्स, ठीक है ना, और डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वी डोंट से अ पैक ऑफ क्लोथ, हाँ हम पैक ऑफ क्लोथ्स नहीं कह सकते, ठीक है ना, हम पैक ऑफ क्लोथ्स नहीं कह सकते, ठीक है। वी डोंट से अ पैक ऑफ क्लोथ्स और पैक ऑफ स्टोन्स, नहीं हम स्टोन पैक ऑफ स्टोन्स भी नहीं कह सकते, पैक ऑफ क्लोथ्स भी नहीं कह सकते, ये आपके पास गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ फ्रेजेस बट दे आर नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, आपको लिस्ट दी हुई है लेकिन ये करेक्ट नहीं है। लिस्ट में क्या है, पहला आपके पास फ्रेज है अ बंच ऑफ वॉल्स, अ बंच ऑफ वॉल्स, ये आपके पास करेक्ट नहीं है। अब आप उसको क्या करेंगे, करेक्ट करके लिखेंगे तमाम को, ठीक है। अब आप उसको करेक्ट करके लिखेंगे तो आपका करेक्ट करके पहला पहला वर्ड क्या बनेगा, पहला आपके पास वर्ड बनेगा, मैं आपको बताने लगा हूँ, आप भी इसको मेरे साथ लिखेंगे, अपने हाथ पे पेन पेंसिल रखिएगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पर लिखूँ वो आप मेरे साथ ही इसको लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड आपके पास है अ बंच ऑफ वॉल्स, तो ये अ बंच ऑफ वॉल्स नहीं कहलाएगा, आपके पास ये कहलाता है, वॉल्स का कभी बंच नहीं हो सकता, वॉल्स का जो ना हर्ड हो सकता है, वॉल्स का रेवड़ हो सकता है, तो आप इसको बंच के साथ कोई एक ऐसा नाउन लगाएंगे जो कि इसके साथ दे, तो आप लिखेंगे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है बी में, बी में आपको कहा जा रहा है कि अ पैक ऑफ बीज, बीज मक्खियों का एक पैक, नो मक्खियों का एक पैक नहीं हो सकता, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि अ पैक ऑफ वॉल्स, आप क्या कहेंगे, अ पैक ऑफ वॉल्स, अ पैक ऑफ क्या है आपके पास, वॉल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, अ क्लंप ऑफ आंट्स, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा तेज़ लिख रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप उसको अच्छे से लिखेंगे और फिर आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप क्लंप ऑफ ट्रीज, अ क्लंप ऑफ आंट्स नहीं होगा, अ क्लंप ऑफ ट्रीज, अ क्लंप ऑफ ट्रीज, टी आर डबल ई एस। नेक्स्ट आपके पास है अ नेस्ट ऑफ ट्रीज, अ नेस्ट ऑफ ट्रीज, नो ये गलत है, अ नेस्ट ऑफ आंट्स हो सकता है, नेस्ट वैसे घोंसले को कहते हैं, अ नेस्ट ऑफ आंट्स यानी चिड़ियों वाला घोंसला, चिड़ियों का घोंसला, ठीक है ना, चिड़ियों का घर यानी, ओके। नेक्स्ट आपके पास है अ स्वार्म ऑफ ग्रेप्स, नो इसके लिए आपके पास वर्ड होगा अ स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है, अ स्वार्म ऑफ बीज, ओके, ये आपके पास एक एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की जानिब। इसी के अंडर आपको एक और एक्सरसाइज दी हुई, आप अभी ये भी हम अभी करेंगे, ओके, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है कि हेयर आर सम मोर कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, आपको कुछ और कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए, आपने क्या करना है,
करेक्ट द फ्रेजेस, आपने इन फ्रेजेस को करेक्ट करना है।